गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द पॉलिटिकल क्लास फॉर क्लास 12th। लास्ट जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान, उससे पहले जो है हमारा टॉपिक क्लियर किया था। आज जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो हमारे पास है इंडिया और नेपाल का क्या इशू है, तो उसको हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो साथ में चल रहा है और सारी चीज़ें आप साथ में लिख भी सकते हैं, उससे पहले हम दो तीन बात कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं और अननेसेसरी और इररिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो बाद में डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता, एक दो का आंसर दिया था, मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी हम या इस कैपेबिलिटी में है कि आपके अननेसेसरी क्वेश्चन का जो फिर से रिप्लाई करें। दूसरी बात है कि जो भी आपका एनरोलमेंट है 21-22 बच्चे जितने भी अब 25 हो गए, तो उनमें से जो है मुश्किल से 5 से 6 बच्चे जो है वही क्लास कर रहे हैं, इनके अलावा कोई क्लास कर नहीं रहा है रेगुलरली, ठीक है ना। सब अपने मूड में है कि स्कूल है, अपने आप करेगा जो करना है, ये करेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। क्लास तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप देखिए अब सब कुछ ही नहीं है तो सब कुछ स्कूल तो प्रोवाइड करवा नहीं सकता ना, कि स्कूल जो है आपको मोबाइल भी प्रोवाइड करवा दे, ठीक है, आपको कनेक्शन भी प्रोवाइड करवा दे, फिर आप क्या करोगे। तो थोड़ा तो आपको भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है और कुछ लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि स्कूल जो है खुद का आप लोगों के लिए जो है ऐप लॉन्च करने वाला है अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जो भी है। तो जैसा कि आज जो है 25th हो गई है हमारे पास, तो 30 सितंबर तक, फिर से सुन ले आप, 30 सितंबर तक 12th क्लास, आप ही की बात कर रहा हूं, सभी लोगों को, चाहे वो गांव में है चाहे वो कहीं पे भी है, या तो स्कूल में फोन करें या स्कूल में कैसे भी इन्फॉर्म करें या जो आपके इंचार्ज है उनसे बात करें, 30 सितंबर तक जो है स्कूल से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड, ठीक है, वो लेकर जाएं या इन्फॉर्म करके जाएं, तो आपको जो है आपके रेस्पेक्टिव मोबाइल्स पे एक दो दिन के अंदर आपको सेंड कर दिया जाएगा। होगा क्या कि उस ऐप में जो है आपके, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे तब ही वो ऐप खुलने वाला है। दूसरी बात क्या है उस ऐप की, कि वो जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो है वो एक बार ही काम करेगा, मींस अगर आपने अभी लॉगिन कर लिया है तो आपके ही मोबाइल पर चलेगा, दूसरे किसी के मोबाइल में फिर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये दिमाग भी ना लगाएं कि जो है एक जना ले लेगा और उससे हम जो है देख लेंगे, सर्कुलेट कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐप डेवलपर मैं ही हूँ, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, तो इसलिए मैंने सारी प्रिकॉशन पहले ही लिया है, ठीक है। तो 30 सितंबर तक अपना एनरोलमेंट करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा दें, अपना पासवर्ड यहाँ से लेके जाएं, नहीं तो आपको सेंड कर दिया जाएगा और अक्टूबर 1 वीक के अंदर जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। उसी में अपलोड होगी, फिर यूट्यूब पे नहीं आएगी, उसी में अपलोड होगी, आपको टाइम बता दिया जाएगा, अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो 24 आवर्स जो है अवेलेबल रहे, आप आराम से देख सकते हैं, तो टाइम का कोई इशू नहीं आए, ठीक है। तो वो कैसा क्या चलता है, रिस्पॉन्स पर कभी हम वेट करेंगे, बच्चे क्या चाह रहे हैं ऐप का, जो भी है, ठीक है। और लिटरेचर की जो क्लास है आपकी वो स्टार्ट हो चुकी है, मैम ने जो है एक दो रिकॉर्डिंग कर भी ली है, तो इनिशियली एक दो दिन के अंदर आपको मैसेज मिल गया होगा, तो मिल जाएगा, वो क्लासेस भी आपके स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास फिजिकल हमारे पास चल रही है, और जब इस तरह की क्वेरीज आती है कि वो बुक क्या है, कैसा है, क्या बुक है, आप क्या पागल हो, जो इस तरह के जो बुक्स हमें पहले एडवाइज़र दिलवा दी, अब बोलो राजस्थान ले लो और ये ले लो और वो ले लो, तो मेरे पे थोड़ी आसान है किसी का। आपको पढ़ना है तो पढ़े, ना पढ़ना है तो ना पढ़े, मुझे मुझसे क्या लेना देना, ठीक है। तो आपके लिए वीडियोस भी बनाई थी, आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक, वो पुरानी जो वीडियोस है वो भी आधे लोगों ने नहीं देखी, ठीक है। उसमें से लोगों ने तरीका क्या निकाला है, सब्जेक्ट चेंज का, ठीक है सर हमारा सब्जेक्ट चेंज है, ठीक है सब्जेक्ट चेंज है तो क्लासेस लग रही है, उसमें भी कुछ लोग नहीं आ रहे। अब हर जगह आप अपनी मोनोपोली चलाएंगे तो फिर स्कूल का तो आप बुरा ही लगवा रहे हैं ना, जो स्टैंडर्ड स्कूल ने मेंटेन किया है खास करके आर्ट्स के फील्ड के अंदर इस पूरे एरिया में, ठीक है, उसको आप ही लोग जो है खराब कर रहे हो। और बाहर जाके रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करते हो, स्कूल में कोई भी कोऑपरेशन नहीं है, स्कूल जो है बहुत ही घटिया है, कुछ नहीं पढ़ाता है, पूरा जान लगा दिया है। लास्ट ईयर के रिजल्ट आप देखें, हिस्ट्री वगैरह में जो है, ज्योग्राफी वगैरह में 98 मार्क्स स्कोर हुए हैं, 99 मार्क्स स्कोर हुए हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर, आप मान सकते हो, ये आप इनबिलीवेबल चीज़ है, आपको लग रहा है छोटी चीज़ है,
99 out of 100 मार्क्स जो है हिस्ट्री में, एक के नहीं आए, 98, 97, 96, ये पूरी लाइन है, आओ के आप जो है मार्कशीट देख सकते हैं, वो अवेलेबल है, और बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी में मार्क्स है 98, 97 मार्क्स है, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे ही इंटेलिजेंट थे, सभी के मार्क्स आ गए। स्कूल ने जो एफर्ट्स लगाया है पिछले एक दो साल तीन साल के अंदर जब से हमने आर्ट्स का किया है, और उसका अब रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि अब जो है आर्ट्स के अंदर ट्वेल्थ क्लास के अंदर, इलेवंथ की तो बात छोड़ें आप, ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम जो है बच्चों को अब मना कर रहे हैं एडमिशन देने से, क्योंकि नया बच्चा आएगा वो खराब करेगा सारी चीज़ें। बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद जो है अब जो है कुछ दो तीन को एडमिशन दिया है, बाकी हम एडमिशन ही मना कर रहे हैं ट्वेल्थ के अंदर खास करके, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स इतना है कि लोग जो है दूसरे स्कूल छोड़ के आ रहे हैं कि जो हम यहाँ पढ़ लेंगे तो कुछ सीखेंगे, और हमारे जो खुद के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ही कोई अटेंशन ही नहीं है उनका, कोई जो है रात को उठता है बोलता है सीधी सी बात बताइए क्या है, ये क्या बकवास है, बकवास क्या है, आपको पढ़ना है, आपको बुक लेके आनी है, 150 रुपये में कोई मर नहीं रहा है क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं है उसकी, आपको जीरोक्स निकलवानी है, वो तो आप पे है। अब कुछ लोग PDF से पढ़ रहे हैं, PDF से ना पढ़ें आप, वो समझ में नहीं आने वाला, बुक फिजिकल कॉपी निकालो, 200 रुपये में कोई गरीब नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप जो है कुछ बात वीडियोस देखें, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, कितना कॉस्ट आएगा, कहाँ से फोटोकॉपी करवानी है, हर चीज़ जो है आपको इतना बता रहे हैं, और ये ना है कि इसको अदरवाइज ना लें, जो हमें डांट रहे हैं या हर दम डांटते रहते हैं या चुप करवा देते हैं। आप ये भी तो देखें, आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया गया था कि कितना कॉस्ट है, कहाँ से मिलेगी, क्यों मिलेगी, इतना कुछ बताने के बाद भी जो है सेम क्वेरी फिर से आती है, ये क्या है, तो फिर वो टीचर को भी अलग लगता है, स्कूल को भी लग रहा है, जिस तरह की हम वीडियो क्वालिटी, जिस तरह की साउंड क्वालिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ किसी एरिया में ऐसा नहीं हो रहा है। गूगल में जूम पे जो है सिंपल सी क्लासेस हो रही है, जहाँ पे ना कुछ दिखता है, ना कोई बात होती है, ना रिस्पॉन्स होता है। आपके लिए हमने स्कूल खोल रखी है, ठीक है, कब से मैं बोल रहा हूँ कि आइए आइए, 21st से स्कूल ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताएं, कोई बता ही नहीं रहा है, या तो सभी को सब कुछ समझ में आ गया है या किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल की बात नहीं है, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सबकी बात है ये, कल से लिटरेचर भी स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, तभी भी देख लेते हैं आपको क्या प्रॉब्लम नहीं आती। स्कूल खुला है, स्कूल में डर है ना, हम कौन सा स्कूल में आपको बांध रहे हैं, तो पेरेंट्स को समझाएं कि कोई जेन्युइन इशू है, 5 मिनट पेरेंट्स के साथ आए आप, 5 मिनट में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, 8 से 12 में सारे टीचर्स आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करें और खट जाएं, यहाँ बैठने को कौन बता रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें समझो, थोड़ा मैच्योर बनिए और जो है इस पे फोकस करें, तो हम कमिटेड हैं आपके जो है हाइएस्ट से हाइएस्ट मार्क लाने के लिए, तो आप भी तो थोड़ा अफर्ट कीजिए। ये चीज़ जो है मैं पिछले साल से बोलते आ रहा हूँ, अभी भी मैं कितनी क्लासों में वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोलने से आदमी को फर्क नहीं पड़ता है, वो चिकना घड़ा हो जाता है, पानी कितना भी डालो कोई फर्क नहीं। तो ये लास्ट बार था हमारी तरफ से, हमें जो करना था हम कर रहे हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़े, ना पढ़ना है तो ना पढ़े, स्कूल का बुरा लगेगा तो देखेंगे हम, हमारा जो नया बैच आया उस पर हम मेहनत करेंगे, उसके मार्क्स अच्छे लेके आएंगे, और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कुछ मान नहीं रहे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है वो आके पूछ रहे हैं, और आप लोग ट्वेल्थ में से एक भी बच्चा नहीं आया। फिजिकल क्लास होती है तो उसमें बच्चे को अच्छा रिस्पॉन्स है, पर 3-4 अभी भी घर में बैठे, तो सब आपकी मर्जी है, खैर छोड़िए, इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। इंडिया और नेपाल पे फोकस करते हैं, लास्ट है, इसके बाद हम जो है पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर जो 4th यूनिट है मैंने लास्ट टाइम ही बताई थी, वो अभी नहीं कर रहे, हम छोड़ रहे हैं अभी थोड़े दिन के लिए, हम जो है यूनिट फर्स्ट जो है जस्टिस अथॉरिटी वगैरह जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज जो है उसको पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक बार समझा दूंगा और कोशिश करूंगा साथ में पढ़ता भी रहूं, जो आपकी आदत भी पड़ चुकी है साथ में पढ़ने की, तो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इंडिया और नेपाल, देखिए इंडिया ये है, नेपाल ये है, नेपाल जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में बफर स्टेट है। बफर स्टेट क्या होता है मैंने बताया था, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है हमारी सबसे पहले यहीं पे बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन पे, इस टॉपिक की बात करते हैं, तो प्लीज़ ये भी लिखें आप, ठीक है, नोटबुक में ये लिखें, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो हमारे नेपाल के साथ रिलेशन जो है बहुत पुराने, बहुत पुराने मीन्स बुद्धिस्ट जो रिलीजन चल रहा था, भगवान बुद्ध है, उससे या उसके पहले भी जो सीता माता जो है हमारे रामायण में सीता माता का जो जन्म है वो लगभग नेपाल के बॉर्डर के आसपास है, तो उनका भी माना जाता है और इनका भी माना जाता है कि नेपाल उनको भी वर्शिप होती है और हमारे यहाँ पे सीता माता के वेलकम। तो इतने पुराने रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ, और पूरा जो आर्यवर्त था, भारतवर्ष था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में या गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो नेपाल भी पहले इंडिया का ही पार्ट था, तो हमारा ओरिजिन सेम है, थोड़ी हमारी जो है बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में हल्का सा डिफरेंस है, बाकी हम जो है नेपाल हमारा बहुत पुराना हमारा ही भाई है, ठीक है। तो हमारे रिलेशन अच्छे थे, और जब ब्रिटिशर्स आए थे तभी उन्होंने नेपाल के अंदर किया था और
चल रहा था सारा काम ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि चाइना जो है, जब ब्रिटिशर्स चले गए थे और हमने डिस्कस भी की थी कि उसका बॉर्डर इशू था, तो उसने कहा कैसे भी करके नेपाल को मैं अपने साइड में मिलाऊं, ताकि क्या हो सके कि नेपाल से मैं बेनिफिट लेके जो इंडिया पे डराने की कोशिश करता रहूं। और इंडिया भी यही पीछे ट्राई कर रहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी सबकी अलग अलग होती है हर नेशन की, पर इंडिया भी यही ट्राई कर रहा था नेपाल से अच्छे रिलेशन रहे तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक प्रोटेक्शन दे रहा है, तो चाइना का डायरेक्ट एग्रेशन यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे तो आगे यूजफुल रहेगा। इसलिए इंडिया जो क्या करता है उसको अलग अलग फॉर्मेट में, इकोनॉमिक जो है या कल्चरल है या इंडस्ट्रीज है या ट्रेड है, इस आर्मी है, मिलिट्री है, बहुत से देता है। और आपको बताओ अराउंड जो है 50 लाख अराउंड बात को, तो 1 करोड़ के आसपास नेपालीज जो है वो इंडिया में बसे हुए हैं, उनको सिटीजनशिप दी गई है। ठीक है, कोई भी नेपाली जो है इंडिया में फ्री फ्लो कर सकता है, आ जा सकता है। ठीक है, इतने ज़्यादा पासपोर्ट वीज़ा का भी इशू नहीं है। ठीक है, और जो आर्मी वगैरह में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया की एजेंसीज जो है उनको सिखा रही है साथ में, ताकि नेपाल भी साथ में चले और एक अच्छा हमारा जो है कॉर्डियल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन जो है साथ में बना रहे। और आपने देखा होगा कि जो गोरखा वगैरह है, जो गोरखा रेजिमेंट भी है इंडियन में, तो यहाँ से भी नेपाल साइड में आते हैं। और जो रात को आपने देखा होगा जो चौकीदार वगैरह हैं वो भी सारे जो है नेपाली ओरिजिन के ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं। ठीक है, तो इतने अच्छे रिलेशन हैं हमारे नेपाल के साथ और हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर अभी कुछ ड्यूरेशन में या पहले से जो है नेपाल को ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है एज अ बिग ब्रदर जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक आदमी दूसरे को अपना छोटा जो है अपने अंडर में रखना चाहता है, उसको बढ़ने नहीं देना चाहता। तो नेपाल ये सोच रहा है कि इंडिया जो है हमें ग्रो नहीं करने दे रहा और इंडिया कहीं ना कहीं हमारा फायदा उठा रहा है। तो नेपाल जो है अब चाइना के साथ जाके जो है बीच बीच में भी 1950 से ट्राई कर रहा है, उसके साथ मिलता है करता है। तो ये दिक्कत जो है वो थोड़ी नेपाल की रहती है, कभी चाइना के साथ चला जाता है फिर वापस इंडिया के साथ आ जाता है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि किसके साथ है, चाइना के साथ है कि इंडिया के साथ है, या उसका खुद का एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी खुद की क्या प्रॉब्लम क्या है वो समझ में नहीं आ रही। इसका कारण भी, कारण ये है कि नेपाल में जो है हमेशा राजशाही मोनार्की रही है स्टार्टिंग से, बीच में फिर डेमोक्रेसी की आवाज़ उठी थी, आंदोलन वंदोलन हुए और वो जो ज्ञानेंद्र वगैरह जो भी राजा थे, ठीक है, उन्होंने जो है ट्राई करके क्या किया कि थोड़ी सी डेमोक्रेसी डाली भी, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, कैसा भी इंडिया से भी लोग गए थे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कुछ ऑफिसर्स गए थे उन्होंने सपोर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वगैरह में, सब कुछ हुआ। पर वो जो डेमोक्रेसी थी एग्जैक्ट जो इंडिया में, वैसी नेपाल में नहीं आ पाई। ठीक है, तो ये एक इशू रहा है हमेशा नेपाल के साथ कि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग रहा है और पता नहीं क्या चाहता है। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी वो सोचता है कि इंडिया जो है मेरा दुश्मन है। ठीक है, और वहाँ में क्या है कि जो मोनार्की थी, जो राजा थे, उनके जो सेनापति थे, सुप्रीम कमांडर थे, जो शाह डायनेस्टी वगैरह जो है, उसने क्या करी, कमांड अपने हाथ में रखी और राजा कुछ करना चाह भी रहा था तो भी उसको जो है वो चीज़ करने नहीं दी। इससे भी जो है नेपाल के इंटरनल मैटर जो है वो हमेशा प्रॉब्लम ही रहे। तो नेपाल एक तरफ क्या है, खुद के इंटरनल मैटर में भी फंसा हुआ है, एक्सटर्नली भी उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी ढंग से सुधर कर बाहर आ नहीं रही है, पता नहीं चल रहा है ये चाहता क्या है। ठीक है, और कभी चाइना का जो पैसा देता है, क्योंकि थोड़ा पुअर है, इतना इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, तो चाइना अगर ज़्यादा इसको असेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता तो उधर चला जाता है, इंडिया दे भी नहीं, तो पता नहीं चला। अभी भी गवर्नमेंट जो है हमेशा से, इंडिया की गवर्नमेंट स्टार्टिंग से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो है हम कोशिश कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि नेपाल पे अगर कोई अटैक होता है तो सीधा सीधा अटैक होगा इंडिया पे। मतलब इतना हम इसको तवज्जो दे रहे हैं कि नेपाल हमारा ही पार्ट है, हमारा ही भाई है, इस पे कोई इशू आता है मतलब मेरे पे इशू आ गया और हम इसका बराबर जो है एग्रेशन करेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी जो है नेपाल की जो कुछ पॉलिसीज़ है कभी कभी वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर भी हमारे रिलेशन जो है नेपाल के साथ अच्छे हैं, वहाँ की जनता के साथ अच्छे हैं, कुछ उसके इंटरनल मैटर है वो भी अभी डिसाइड करने वाले हैं। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन बनता है और ब्रिटिश टाइम का बन जाता है। अब बात आती है कनेक्टिविटी और बॉर्डर की। ठीक है, दो हमने अभी किए इंट्रोडक्शन, और ये कनेक्टिविटी सामने दिख रही है, पूरा यूपी उत्तराखंड हिमाचल पूरा अटैच है बिहार तक, उधर जो आपका सिक्किम का जो पोर्शन है नेपाल से आना जाना होता है, यहाँ से दो नदियाँ भी आती है, काफ़ी नदियाँ आती है, महाकाली वगैरह, कोसी वगैरह, बिहार वगैरह में उस पर डैम वगैरह बनाना हो तो इंडिया ने हमेशा हेल्प की। ठीक है, उससे बहुत नेपाल पे बाढ़ आया करती थी पर इंडिया ने ये प्रोजेक्ट डैम वैम बना के जो है हेल्प की है उसकी बहुत। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इजी है और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया बहुत काम कर रहा है।
ठीक है, पर नेपाल पे ये भी एलिगेशन रखते रहे, ये जो हमारे टेररिस्ट जो है पाकिस्तान वगैरह से भाग के आते हैं हमारे कंट्री से, या और कोई क्रिमिनल्स जो है उसको एसाइलम मतलब कि उसको जो है शरण दे देता है, कौन? नेपाल। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि नेपाल में जाके छुप गए और वहाँ से इंडियन पुलिस या जो भी हमारी आईबी वगैरह है इंटेलिजेंस वहाँ से लोगों को पकड़ कर लेकर आई। तो ये कनेक्टिविटी और बॉर्डर का है जो, और यहाँ पे आर्मी वगैरह भी डिप्लॉयड है। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशन की, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, क्या इश्यूज है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक ट्रीटी ऑफ पीस हुई थी 1950 में, जस्ट फ्री हुए थे हम ब्रिटिशर्स से, उसमें ये कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि नेपाल मेरा भाई है जो मैंने बताया अभी, और इस पर कोई भी इशू आएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे और हमेशा साथ देंगे। नेपाल ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है, पर नेपाल अंदर अंदर ये सोचता रहा कि भाई जो इंडिया सही नहीं कर रहा है, हमारा फ़ायदा उठा रहा, वो कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल एक दिमाग में बैठ गया। तो ये ट्रीटी ऑफ पीस जो है उसको नेपाल बोल रहा है कि इंडिया ढंग से मान नहीं रहा है, हमारी ढंग से हेल्प नहीं कर रहा है, और इंडिया बोल रहा है हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर आता है वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट में क्या है कि पानी से रिलेटेड जो है ये नदी पे जो बांध वगैरह वगैरह बनाए हैं इसका हमेशा से इशू रहा है। नेपाल कह रहा है बांध बना लिए जो इंडिया जो है पानी रोक देता है, या पानी जो है हमारे बाढ़ आ जाती है, या इसके जो इश्यूज है इससे रिलेटेड वो एक बहुत बड़ी समस्या है कोसी महाकाली वगैरह में। तो ये नेपाल बोल रहा है आपने जो प्रोजेक्ट में हेल्प की वो ढंग से नहीं की और हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ज़्यादा बाढ़ जाती है, इंडिया अपना मतलब देख रहा है, उसने नदी रोक दी है ताकि उसके बिहार में बाढ़ आ जाती थी, बिहार में बाढ़ ना आए, तो आरोप लगाते रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक वाटर डिस्प्यूट भी है। फिर है चाइना एंगल, मैंने समझा दिया है, चाइना हमेशा हेल्प कर रहा है, नेपाल के साथ मिलीभगत करता रहता है, या उसके कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलीभगत करता रहता है, या उनकी मोनार्की के साथ मिलीभगत करता रहता है, ये एक दिक्कत ही रही है हमेशा। तो कभी तो लगता है चाइना के साथ है, कभी लगता है चाइना के साथ नहीं है नेपाल, ठीक है। तो ये चाइना एंगल है, चाइना चाहता है नेपाल पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज में मेरा जो है अधिकार हो जाए, तो मैं इंडिया को जो है यहाँ से भी काउंटर कर सकूँ, यहाँ से तो पकड़ा हुआ ही हमने कल बात की थी, यहाँ से भी कर सकूँ तो मेरा अच्छा एक इंप्रेशन पड़ जाएगा पूरे साउथ एशिया साइड में। और जो इंडिया उभर रहा है, जो छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाता है, बिग ब्रदर जो पॉलिसी है इंडिया की, ये रुक जाए और नेपाल इसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दे। गवर्नमेंट इन नेपाल, नेपाल में स्टार्टिंग में मोनार्की थी, राजशाही थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रेशर में आके डेमोक्रेसी की, फिर वो सही नहीं थी, फिर माओइस्ट वो लोग होते हैं, माओ जो है चाइना का ओरिजिन है, ये चाहते हैं कि समाज में जो है सब बराबरी रहे और जनता में किसी तरह का कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कम्युनिस्ट होनी चाहिए वगैरह, ठीक है। तो ये इसकी फिलॉसफी होती है, तो वो ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, जो वहाँ के राजा नहीं चाहते। कई बार लड़ाई हुई, करवाए इनमें स्ट्रगल हुआ, रिवोल्ट हुए, एक दो बार उनका 2001 के आसपास मर्डर भी हो गया था, कुछ राजा ही अपने बड़े ब्रदर को मार देते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। तो ये एक इसका इंटरनल मैटर है किसका, नेपाल का, इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे पता नहीं है कि आज के फॉर्मेट में जरूर डेमोक्रेसी है, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है, पर वो परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मदेशी समुदाय वगैरह कम्युनिटी है उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो गवर्नमेंट नेपाल जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी मोनार्की हो जाती है, कभी डेमोक्रेटिक हो जाती है, कभी रिपब्लिक हो जाती है, कभी पूरी डेमोक्रेटिक नहीं होती है, कभी माओइस्ट आ जाते हैं, कभी माओइस्ट चले जाते हैं, तो ये हमेशा से पंगा ही रहा है। विन विन सिचुएशन क्या है कि नेपाल जो है वो दोनों कंट्रीज से फेवर चाहता है, चाइना से भी और इंडिया से भी। अगर आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए तो दिक्कत तो होगी, खाओगे किससे, मुंह से खाओगे तो कुछ नीचे भी गिरेगा, एक हाथ में लड्डू रखो और उसको दूसरे हाथ से खाइए। नेपाल चाहता है इससे भी फायदा ले लो, इससे फायदा ले लो, मेरा खुद का दिमाग लगा लो, ठीक है। वो नेपाल की सोच जो है वो थोड़ी सी गलत है, ये एक कॉम्प्लिकेशन का इशू है। फिर क्या है, इंडिया इज़ बिग ब्रदर पॉलिसी, ठीक है, इंडिया जो है वो हमेशा से चाहता है कि नेपाल मेरे कंट्रोल में रहे, ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो राजा जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते थे उनकी हमेशा हत्या हो जाती है या मर्डर हो जाता है। ऐसा ही एक स्टेट हुआ था, जो रूलिंग फैमिली थी उसको 2001 में उन्हीं के ब्रदर थे केन ज्ञानेंद्र, उन्होंने जो है मोनार्की खत्म कर दी और राजा का, या पता नहीं, ऐसा एलिगेशन है कि उन्होंने जो है सारी फैमिली को मर्डर करवा दिया, ठीक है, और खुद जो है वो राजा बन गए, जो छोटे भाई थे किन ज्ञानेंद्र, अब वो किंग बन गए। और उन्होंने जो है जो नेपाल में कुछ टाइम डेमोक्रेसी थी, जैसे मैंने बोलाया पहले मोनार्की थी, फिर डेमोक्रेसी हुई, फिर थोड़ी मोनार्की रही, फिर डेमोक्रेसी हुई, तो उस वक्त जो है डेमोक्रेसी चल रही थी 90s के आसपास, ठीक है, तब जो है इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी पसंद नहीं आई, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो रूल ऑफ पब्लिक हो जाता है, ये चाहता था हम राजा रहे, हम ही सब कुछ करें, हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन सब काम करे, तो इन्होंने इनको मरवा दिया पूरी फैमिली को, ऐसा आरोप है, हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, रातों रात पूरी फैमिली एक साथ मर गई, ये कैसे हो सकता है, 2001 की बात है। तो ये राजा बन गए और उन्होंने डेमोक्रेसी को कैंसिल कर दिया, और क्या किया उन्होंने,
उन्होंने जो माओइस्ट जो थे, माओइस्ट लोगों के साथ गवर्नमेंट चल रही थी इनकी, किनकी, नेपाल की, जो पिछले जो मर्डर हो गया था राजा का, उनके साथ जो है सारी पॉलिसीज खत्म करी। तो वहाँ के जो माओइस्ट लीडर है उनकी और नेपाल के राजा की उनकी भी बनती नहीं है, तो हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है। तो डेमोक्रेसी इन नेपाल ऑफ क्रिटिकल पाथ, हमेशा से डेमोक्रेसी वहाँ उबड़ खाबड़ रही है, स्टेबल नहीं रही है, ठीक है। माओइस्ट जो स्ट्रगल है वो 1996 में स्टार्ट हुआ था और 2006 में जो है एंड हो गया था, क्योंकि 2006 में जो है नेपाल में फिर पूरी डेमोक्रेसी कर दी गई थी। तो 11 साल ये आंदोलन चला था, 11 साल, और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है CPNM माओइस्ट, ठीक है, उसका ये काम था कि मोनार्की जो है वो कैसे भी खत्म हो जानी चाहिए। 2001 में ज्ञानेंद्र ने बहुत कोशिश की, डेमोक्रेसी को खत्म किया, ठीक है, फिर से मोनार्की लेके आए। पहली वाली जो राजशाही थी उसने मोनार्की को जो है खत्म कर दिया था, डेमोक्रेसी स्टेबल कर दी थी। ज्ञानेंद्र ने क्या किया, डेमोक्रेसी फिर से कैंसिल कर दी और फिर मोनार्की लेके आ गया, मतलब राजशाही फिर से लेके आ गया। माओइस्ट ने भी जो है बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, हाना कर, फिर 2006 में इनका पूरा मूवमेंट ही बंद हो गया और बोला कि अब कुछ हो नहीं सकता है, हमेशा के लिए मोनार्की आ गई और डेमोक्रेसी जो है क्या होगा। फिर एक्सटर्नल प्रेशर रहा वर्ल्ड का, फिर उन्होंने क्या किया, इस ज्ञानेंद्र ने क्या किया, बोले ठीक है मोनार्की अब कैंसिल करते हैं, अब क्या कर देते हैं, डेमोक्रेसी को फिर से ले आते हैं, ठीक है। तो ये फिर से डेमोक्रेसी लेके आए, मतलब ये एक नाटक था कि देखो डेमोक्रेसी है, पर करते क्या थे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी ये खुद ही अपॉइंट करते थे, सारे मिनिस्टर खुद ही अपॉइंट करते थे, दिखाने के लिए तो डेमोक्रेसी बनाई ज्ञानेंद्र ने, पर फिर पीछे से क्या थी, मोनार्की थी, दुनिया के लिए तो डेमोक्रेसी पर थी मोनार्की, ठीक है ना। तो ये इशू हमेशा से चलता रहा है। तो कुल मिला के बात यही है, नेपाल कभी स्टेबल नहीं रहा है कि इसको मोनार्की रखनी है कि डेमोक्रेसी रखनी है। आप भी कन्फ्यूज मत होना, पहले चैप्टर को पढ़ना, मुझे पता है इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज होने वाले हैं कि ये क्या हो गया, तो आप पढ़ना, समझ में नहीं आया तो फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर एक और बात आती है, पीस जोन इशू ऑफ नेपाल। नेपाल ने पूरे वर्ल्ड में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि नेपाल जो एक पूरा एरिया है वो पीस जोन है, मतलब वो किसी के साथ जो है कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता है, नहीं उसको कोई परेशान करे। पर इधर इंडिया भी यही चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस होनी चाहिए और पूरा साउथ एशिया जो है वो पूरा पीस जोन होना चाहिए। तो इंडिया ने कहा नेपाल को कि भाई आप अलग से मैसेज दे रहे हो पीस जोन होना चाहिए, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि पीस जोन होना चाहिए, आप हमें सपोर्ट करो ना। नेपाल बोला नहीं, तुम्हारा जानो, हम हमारा जो है अलग से चाहते हैं, UN में हम अलग से जाएंगे। इंडिया बोल रहा है कि साउथ एशिया की सारी कंट्री, श्रीलंका विलंका सब मिलके जाके बोले कि हमें कोई परेशान नहीं करे, हम अलग हैं, पीस जोन में हैं, हमारे साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप भी सपोर्ट करो। नेपाल बोलना नहीं, ऐसे सपोर्ट करने से लगता है दूसरों को लगता है या हमारी पब्लिक को लगता है कि हम जो है छोटे भाई हैं, हम जो है इंडिया के मतलब वो टुकड़ों पर पलने वाले हैं, हमारा स्टैंड हम खुद रख लेंगे, तुम्हारा ध्यान दो। तो कभी कभी जो है इस तरह की, और ये कब करता है, जब चाइना का ऊपर से प्रेशर होता है नेपाल पे, बोले ये ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो पीस जोन इशू नेपाल ही है, नेपाल खुद को चाहता है पीस जोन बनाना और इंडिया ये चाहता है पूरा साउथ एशिया जो है वो पीस जोन में रहे, बस इतनी सी इशू है। UN में ये मुद्दा उठा और दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम होती रहती। फिर आता है मोदी प्लान। मोदी से प्लान क्या है कि 2014 में जब मोदी सबसे पहले जो सेलेक्ट होकर आए थे, तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे, अपने आस पड़ोस के जो भी नेशन से उसमें गए थे, तो नेपाल गए। नेपाल जाके उन्होंने 2014 में जो वहाँ पे पशुपतिनाथ महादेव का जो मंदिर है वहाँ पे टेंपल में पूजा की, उसका रिनोवेशन करने के लिए करोड़ों दान भी दिए और हेल्प भी की। उसके अगले साल 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप अर्थक्वेक आ गया था, तो इंडिया ने बहुत हेल्प की, मतलब नेपाल के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे और उस वक्त चाइना भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था, तब इंडिया ने जो है उस वक्त ऑपरेशन फ्रेंडशिप करके फ्रेंडशिप का एक ऑपरेशन चलाया और उसमें ये कहा कि हम नेपाल की पूरी फ्री हेल्प करने वाले हैं और बहुत पैसे दिए, यहाँ से आर्मी गई, CRPF डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम गई और बहुत हेल्प की, नेपाल को पूरा रेनोवेट कर दिया। फिर भी नेपाल जो है अगले साल फिर चाइना के साथ चला जाता है, तो ये नेपाल का हमेशा दौरा, पर इंडिया हमेशा हेल्प करता रहता है। फिर बात आती है मदेसी मूवमेंट। मदेसी क्या है एक्चुअली, जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, तो मदेसी एक कम्युनिटी, जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट अलग अलग होती है, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी है, जैसे मान लो सिख कम्युनिटी है, तो वहाँ की एक कोई कम्युनिटी है जो नेपाल क्या है ऐसे बसा हुआ है, ऊपर तो माउंटेन्स है, ये ऊपर वाली बात करो हिमालय के पास, फिर नीचे प्लेट्यूज टाइप कुछ हल्के से जो है छोटे माउंटेन्स आ जाते हैं और फिर फील्ड है, और फील्ड जो है ये नीचे वाला बॉर्डर इंडिया का, ये फील्ड जो है इंडिया के बॉर्डर से लगता है। तो ऊपर वाला जो है अच्छी जगह है जो है, जिसको शिमला टाइप कहते हैं, वहाँ पे तो जो एरिस्टोक्रेट है, जो उच्च कुल के लोग हैं वो रहते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा अधिकार है,
और नीचे जो है जहाँ पे बाढ़ भी ज़्यादा आती है और फर्टाइल एरिया भी है और नेपाल की बहुत ज़्यादा 30-40% पॉपुलेशन भी यहीं रहती है, मधेसी लोगों को जो है ये लोग बहुत नेग्लेक्ट गिनते हैं, जैसे कोई मतलब शेड्यूल कास्ट ट्राइब या हरिजन, और उनके साथ एट्रोसिटी अत्याचार होते रहते हैं, सीधे मुँह कोई बात ही नहीं करता है। ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी 40% पॉपुलेशन है, 30% पॉपुलेशन है, और हमें राइट्स ही नहीं है, ना वोटिंग के राइट्स है, ना रिप्रेजेंटेशन के राइट्स है, ना हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने जो है खुद ने ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नेपाल को ये लग रहा है कि ये जो इसको उकसाया किसने है, इन लोगों को, इंडियन, ठीक है। और नेपाल क्या कर रहा है, सीधा चला जाता है, आरोप लगा देता है कि नहीं इन्हों ये तो बहुत सीधे लोग हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे बहुत ही जूनियर लोग हैं, इंडिया इनको इंस्टिगेट कर रहा, उकसा रहा है, ठीक है। पर ऐसा था नहीं, इंडिया को पता ही नहीं था कि अपना ये बेचारे खुद की फ्रीडम मांग रहे, इसमें इंडिया का क्या लेना देना। इनकी बात जब सुनी नहीं गई तब इन्होंने क्या किया, ये जो बॉर्डर था इंडिया का साइड का, ये पूरा ब्लॉक कर दिया। यहाँ से जो भी पेट्रोल, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज, जो भी अनाज वनाज, जो भी इंडिया से जो जाता है नेपाल में, वो सब ब्लॉक हो गया, सारी ट्रेड बंद हो गई, और नेपाल को बहुत प्रॉब्लम हो गई, सारी इकॉनमी ठप पड़ गई वहाँ की, क्योंकि लोग आने ही नहीं दे रहे, आंदोलन चल रहा। तब नेपाल क्या क्या चाइना के साथ चला गया और चाइना के साथ बोला आप हमें दो। उस वक्त जो है चाइना ने भी जो है नेपाल की कोई खास हेल्प की नहीं, क्योंकि चाइना को भी पता था कि ये वाला एरिया बहुत दिक्कत वाला है, इसमें कैसे जाएंगे करेंगे, ठीक है। फिर से नेपाल को लगा भाई इंडिया ने से तो कुछ आ नहीं रही सपोर्ट, चाइना ने भी मना कर दिया है, ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ में क्या गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज़ भी चेंज होती है। तो नेपाल ने कहा हम तुम्हें राइट्स देंगे, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पार्ट देंगे, तुम तो बस ये रास्ता खोलो तो कि कुछ आने दो, नहीं तो नेपाल में कुछ खाने को ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो ऐसे खड़ा हुआ था, और फिर ऑटोमेटिक इंडिया भी गया और इनको समझाया मधेसी वगैरह को, आपको देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझा बुझा के जो है मधेसी मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। तो ये मधेसी मूवमेंट आपका था। फिर है नेपाल चाइना एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलियम, जो जब ये रास्ता वगैरह बंद हुआ था तो चाइना नेपाल ने जो है चाइना से कहा भाई पेट्रोल वगैरह सब इंडिया से आता है, ठीक है, बंद हो रहा है, हम जाएंगे कहाँ, ऐसी स्थिति और हो गई पोजीशन मधेसी वाली। तो कुछ सालों बाद इन्होंने ये कहा कि आप कौन, चाइना, हमें एक जो है पाथ दीजिए, एक रास्ता दीजिए, जो कि हमें जो आपका जो पोर्ट वाला एरिया है, उधर वाला जो एरिया पोर्ट वाला, इधर वाला, इससे जोड़े, ताकि हम क्या कर सके, समुद्र के रास्ते से जो है दूसरी कंट्री से जो है पेट्रोल मंगा सके और हम जो है नेपाल में ला सके, क्योंकि इंडिया का को तो भरोसा नहीं, इधर से रास्ता बंद हो जाए तो। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था चाइना और नेपाल के बीच में पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोलियम लाइन से रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है इंडियाज एग्रीमेंट विद नेपाल। अब नेपाल ने ये एग्रीमेंट तो इससे किया तो इंडिया को लगा कि यार वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया ने भी नेपाल को कहा अरे आप तुम्हारे इतने पुराने दोस्त वगैरह हो यार, ऐसी क्या बात करते हो, आप क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कोई इशू हम नहीं आने देंगे, हमसे भी हेल्प लो, क्योंकि इंडिया हमेशा चाहता है कि नेपाल जो है चाइना के साथ पूरा ना चला जाए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको बहुत पैसे वगैरह दिए और इसको ट्रेड में बहुत फ्री दिया, टैक्सेस भी घटा दिए वगैरह। तो ये जो है इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था नेपाल के साथ, डिफरेंट MOUs हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं MOU को, जिसमें जो है ट्रेड में फ्री ट्रेड दी गई, ठीक है, लोग भी आ जा सकते हैं, एजुकेशन में फ्री दी, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो उसमें लिखा हुआ आप पढ़ोगे भी तो उसमें फ्री दी, ठीक है। और भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट है कि आप आगे भी पढ़ोगे, अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है पानी से जो बिजली बनती है, पेट्रोल, ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है इसके साथ एग्रीमेंट किया है और करता रहता है इंडिया, ठीक है। जैसे एक पशुपतिनाथ टेम्पल का था तो उसमें भी करोड़ों रुपये दिए, पुराने जो भी बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो भी टेम्पल्स है, जो भी साइट्स है, उनको भी जो है बढ़ाने के लिए इंडिया जो है पैसे देता है, नेपाल को खुश करता है भाई जो हमारे साथ मेरा छोटा भाई है। फिर आता है साइकोलॉजी ऑफ नेपाल। नेपाल की ये साइकोलॉजी है, इंडिया मुझे दबाना चाहता है, इंडिया नहीं चाहता कि मैं आगे निकल जाऊँ, इसलिए हम मुझे पैसे दे के ऐसे बांट रहा है, मुझे ऐसा समझता है कि मैं इसके टुकड़ों पर पलने वाला हूँ, तो डिफरेंट सोच आ ही जाती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है नेपाल की, पर नेपाल को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नेपाल को ये ध्यान में रखना चाहिए अगर इंडिया के साथ रहेगा तो उसकी भी कंट्री में डेमोक्रेसी रहेगी। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आधा अधूरा बना है, अभी तक 1950 से चल रहा है और अभी तक ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाई है नेपाल, ठीक है। फिर ये मधेसी वदी को राइट्स नहीं दिए फंडामेंटल जो हमारे यहाँ है, तो आधा अधूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हमेशा। तो नेपाल को ये समझना चाहिए कि उसको राइट्स तो देने पड़ेंगे आज के दुनिया में, नहीं तो आंदोलन होगा, ठीक है। और चाइना जो है वो खुद ही परेशान है खुद के यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड उसको बोल रहा है, अमेरिका वगैरह, कि आप भी सुधर जाइए, तो चाइना आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। तो नेपाल को ये समझना चाहिए कि इंडिया हमारा पुराना दोस्त है, हजारों साल पुरानी हमारी दोस्ती है, उसी का पार्ट है हम, तो इस तरह के कोई मैटर नहीं करना चाहिए और
हमेशा हेल्प करनी चाहिए। नेपाल के लोग प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी आए थे, चले गए थे, 9-10 साल बाद आए थे, अभी आए हैं मोदी गवर्नमेंट के टाइम में, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन और बढ़ने चाहिए, जिससे क्या होगा, नेपाल का रिलेशन और जो विश्वास है इंडिया के ऊपर और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। फ्यूचर यही है, इंडिया जो है जितनी हेल्प कर रहा है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, तो नेपाल को भी उसका फिर से एक फीडबैक देना चाहिए और इंडिया के साथ में रहना चाहिए और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर जो है एक अच्छा माहौल पैदा करके रखे और पाकिस्तान वगैरह के जो टेररिस्ट वगैरह है या हमारे यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करें। चाइना से भी जो इशू है, एक्चुअली क्या होता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हैं चाइना से, चाइना तो उनको पास देता है और नेपाल में घुस जाते हैं और फिर इंडिया में आ जाते हैं। हम यहाँ पर रोकते हैं श्रीनगर कश्मीर में और इधर से आ जाते हैं। तो इंडिया ये चाह रहा है कि ये सारे चीज़ें बंद हो जाए ताकि टेररिज्म वगैरह, ये भी टेररिज्म कोई हमारे लिए नहीं है, नेपाल के लिए भी बुरा है, उसके साथ भी बुरा ही होगा। टेररिज्म की खासियत है जहाँ जाएगा खराबी करेगा। तो फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोसई काली रिवर वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर चल रहे हैं, हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं बहुत सारे स्पॉट्स के नाम लिखे हुए हैं, रेलवे हम बना रहे हैं, इंडिया जो है वहाँ बना रही है, इंडस्ट्रीज हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे अंबानी अडानी वगैरह है वो भी वहाँ पे प्लान्स लगा रहे हैं, 4G 5G की कोशिश हो रही है, 3G की कोशिश हो रही है, तो सपोर्ट हमारा चल रहा है। फ्यूचर कैसे बनेगा इंडिया को ये सोचना चाहिए कि एक बिगड़ा हुआ छोटा भाई है जिसको जो है मुझे हर जगह हेल्प करनी ही पड़ेगी, है तो अपना ही भाई, हेल्प करनी पड़ेगी, कितने भी नखरे करें, कितने भी इसके फॉर्मेलिटीज़ हो या डिमांड्स, उसको इंडिया को जो है फुलफिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और नेपाल को भी ये सोचना चाहिए कि इंडिया को जो है बुरा ना समझे, अपना ही भाई समझे, एक अच्छा बड़ा भाई समझे, बड़ा लीडर समझे और इसका सपोर्ट करे, तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया का ही आगे आने वाला वर्ल्ड है, ठीक है। इंडिया ही आगे आने वाले टाइम में सुपर पावर बनेगा, कोई और कंट्री नहीं बनेगी एशिया में। चाइना को दबा सकता है, वो इंडिया में पावर है, दूसरी कंट्रीज में नहीं है। तो और चाइना ऐसा है जो अपने लिए सब कुछ करना चाहता है, अपना एडवांटेज चाहता है, चाइना को किसी से कोई मतलब नहीं है, पैसे दिए हैं तो उतना इनपुट आना चाहिए। पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है चाइना के इस प्रोसेस से, चाइना ने बहुत हेल्प की और लिया भी उतने से डबल लिया, सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा पर अब कुछ कर नहीं सकते, तो नेपाल को भी समझना चाहिए और जो है इस तरह के सारे मूवमेंट बंद कर देने चाहिए। ये आपका चैप्टर था, एक बार आप चैप्टर पूरा पढ़ें, ठीक है, डिस्कस करें, देखें, आपके पास दिन है आज का और कोई भी इशू हो या कल भी कोई इशू हो तो आप जो है ग्रुप में सीधा मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, या टॉपिक डाल सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर बुक में लिखे हुए हैं, मैंने बुक से लिखे हैं, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आया, कुछ वर्ड वगैरह है अगर डिफिकल्टी, तो मेरा यही रहेगा आप जो है गूगल से देख लेना, क्योंकि वर्ड के लिए क्या पूछना हो तो आप भी समझते हो, वर्ड मीनिंग कोई डिक्शनरी तो हूँ नहीं मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊँ, ठीक है। तो आप खुद भी अपने लेवल पर ट्राई करो, थोड़ा समझ गए हो आप, कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो और भेज सकते हो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, समझ रहे हो मेरी बात, ये लाइन समझ में नहीं आई, वो आप स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में भेज सकते हो, मुझे पर्सनली भेजने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में भेज सकते हो, डरने की बात नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो इसमें वो डरने की क्या इशू है कि जो है लोग क्या सोचेंगे, लोग तो सोचेंगे अपना डाउट क्लियर होना चाहिए, और अननेसेसरी भी नहीं है कि ये भी नहीं आई, ये भी नहीं आई, थोड़ा आप समझने की कोशिश करो और फिर जो है उसके बाद भेजना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और हाँ, लास्ट में फिर से कहूँगा, 30 सितंबर तक है आपको स्कूल में फ़ोन करके या स्कूल में आके जो है अपने आईडी पासवर्ड जो है वो सारी चीज़ ले जानी है, नहीं तो इन्फॉर्म करवा देना है कि मेरे ये सब्जेक्ट वगैरह जो भी है तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्कूल में पता चलेगा, मुझे उसका कुछ पता नहीं है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको बता देंगे। ऐप का जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देंगे हम पर्टिकुलर पर्सन को ही, उसके साथ उसी की खुलेगी और देंगे उसी का जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका नहीं हो रहा है तो नहीं देंगे, ठीक है। आप बैठे रह जाओगे लास्ट तक, कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर बात हम आपके नहीं मान सकते। आप ये सोचते हो कि 2 महीने बाद बैठे रहेंगे भेड़ दे देंगे, स्कूल की गलती है, तो वो नहीं है। हमने यहाँ कोरोना जब चल रहा था तो भी मार्च अप्रैल को उस टाइम मई जून के टाइम में जो है इतनी गर्मी में भी क्लासेस रिकॉर्ड कर करके पर्टिकुलरली मैंने जो है सेंड की, अभी तक लोगों ने नहीं देखी है, डिमांड आती है उसको पब्लिक करो, अरे क्या पब्लिक करो यार, 4 महीने हो गए। तो थोड़ा आप भी सोचो कि कोई हम गलत नहीं कर रहे, आप ही गलती कर रहे हो। और भी कोई इशू हो तो बताइए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।